हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विदित चौहान और मैं लेकर आया हूँ नया यूट्यूब चैनल जिस पे हम रियलिटी शोज को रिव्यू करेंगे। उसके अलावा हम इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। हम यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। उसके अलावा हम ऐसी बातें भी करेंगे जो हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को इम्पैक्ट करती हैं। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके दिल में रह जाती हैं बट हम सोचते हैं हम डिस्कस किससे करें। ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारी हर रोज की दिनचर्या में यूज जरूर होती हैं बट हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या हम अपने कंपेनियन को, अपने दोस्त को, अपने बच्चों को नहीं बता पाते। ये एक नया पहल है मेरी तरफ से जिसमें हम इन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे और हम आपके व्यूज भी लेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आज के दिन में इनको डिस्कस करना चाहिए। हम इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के दिन केवल क्रिकेट को रिव्यू करने वाले बहुत लोग हैं बट इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में कोई बातचीत नहीं करता। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स कगार पर बैठा है और इस बार हमारे एस हमेशा की तरह फिर से हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं मेडल्स को लेकर। हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन कंटेंजेंट की कैसी तैयारियां चल रही हैं। हम रियलिटी शोज को भी, जो कि आज के दिन कहीं ना कहीं टीवी की लाइफलाइन है और आने वाले टाइम में भी लग रहा है कि रियलिटी शोज के बेस पर ही टीवी इंडस्ट्री चलेगी। और आज हमारा पहला दिन है तो हम एक ऐसे टॉपिक को उठाना चाहते हैं और ये दिन इसलिए मुकम्मल किया है मैंने आज ये टॉपिक को उठाने का क्योंकि मैंने एक ऐसी बात सुनी जिसको सुनकर मुझे हंसी भी आई और मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। हंसी इस वजह से कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2 दिन पहले ये डिसीजन लिया है कि वो मास्टर ऑफ एजुकेशन में एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है द कोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसा कोर्स जिसमें आप खुश कैसे रहें आपको वो सिखाया जाए। मैंने बचपन से ये बात सुनी है कि आपको अगर खुश रहना है तो वो नेचुरली आता है, वो आपके अंदर से आता है। किसी को खुशी मिलती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर, किसी को खुशी मिलती है कपिल शर्मा शो देखकर, किसी को खुशी मिलती है गरीबों को खाना खिलाकर, किसी को खुशी मिलती है जब उनका बच्चा पहली बार माँ बाप दादा दादी चाचा चाची या बुआ बोलता है। हर इंसान की खुशी अलग तरीके से आती है और वो नेचुरली आती है, आपको कोई चाबी भरकर हंसा नहीं सकता। बट एक कोर्स जो कि डिजाइन किया गया है हैप्पीनेस के लिए, इसका क्या मोटिव हो सकता है? जब मैंने इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज जानने की कोशिश की कि क्यों ये कोर्स को लॉन्च किया गया है तो मैंने काफ़ी रिव्यूज पढ़े ऑनलाइन जाकर, क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता था डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से क्यों करा, तो कहीं ना कहीं वहाँ के एक प्रोफेसर मिस्टर सहनी का एक बयान था जो मुझे बहुत सच्चा लगा। उन्होंने कहा आज के दिन हमारे पास खुश रहने का भी समय नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी खुशी भी फेकनेस पे है। क्या हम खुश रहना भूल गए हैं? क्या हम खुश रहना भूलते जा रहे हैं या केवल हम दूसरों की खुशी के लिए खुश रहते हैं? ये भी सच्चाई है, कई बार हम अपनी फैमिली के लिए खुश रहते हैं, कई बार हम अपनी सोसाइटी के लिए खुश रहते हैं, अंदर से हम चाहे खोखले हों, अंदर से चाहे हम कितने भी दुखी क्यों ना हो। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम अपने लिए खुश हों, हम अपने लिए खुश हों, हम खुद अंदर से खुश हों, हम किसी और को दिखाने के लिए खुश ना हों, हम किसी और के लिए खुश ना हों। हाँ, अपनों के लिए खुश हुआ जाता है, होना पड़ता है, बट दिन में 24 घंटों में करीबन 10 मिनट अपनी खुशी के लिए लगाएं एक ऐसी चीज पर जिसकी आपको खुशी मिलती हो, चाहे वो एक पौधा लगाने से मिले, चाहे वो एक गरीब को खाना खिलाने से मिले। जरूरी नहीं केवल एक सोशल काम करने से ही आपको खुशी मिलेगी, हो सकता है वो 10 मिनट आपके बच्चे के साथ खेलने पर मिल सकती है, हो सकता है 10 मिनट एक्सरसाइज करने पर भी मिल सकती है, हो सकता है 10 मिनट केवल हंसने से मिल सकती है, हो सकता है वो केवल टीवी देखने से मिल सकती है, हो सकता है वो लड़ने से भी मिल सकती है। शायद आपको अपनी बीवी के साथ लड़ना हो, 10 मिनट वही खुशी मिले, शायद वो चुप रहने से भी मिल सकती है कि 10 मिनट आपको मेडिटेशन करनी है आपको वो खुशी दे। तो क्यों ना आज के दिन हम ऐसा वक्त निकालें जिसमें हम खुद खुश रह पाएं, अपने लिए खुश रह पाएं, किसी और के लिए नहीं, सब दीन दुनिया की चिंताएं छोड़कर खुश रह पाएं। तो ऐसे कोर्सेज की जरूरत ना पड़े, खुशी एक नेचुरल इमोशन है, उसे नेचुरल रहने दें, ऐसी कोशिश ना करें कि एक नेचुरल चीज को भी हम मार दें। बहुत कम चीजें हैं आज की दुनिया में जो नेचुरली बची हुई हैं, अगर आप इमोशन को ही मार देंगे तो और क्या बचेगा।
तो मेरा यही आप लोगों से एक निवेदन है कि मैंने एक बात सुनी जो मैं आपसे डिस्कस करी, और आप लोग भी अपने व्यूज रखें कि आपको खुशी किस चीज में मिलती है। आप भी बताएं कि इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जिससे खुशी देती होंगे आपको। तो आज हमारा पहला दिन था, हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपको पहला वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, और आने वाले दिनों में किन टॉपिक पे आप चाहेंगे कि हम बात करें। हम ये चैनल कोई रिव्यू चैनल या मोटिवेशन चैनल नहीं है, ये चैनल केवल ऐसा चैनल है जिसमें विचारों का आदान प्रदान भी होगा। हो सकता है आपको बुरा भी लगे, अगर आपको बुरा लगा हो वो भी बताएं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं। आने वाले समय में मैं ऐसे टॉपिक दोबारा दोबारा उठाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपके सवालों की प्रतीक्षा भी करूँगा, और कल फिर आऊँगा कुछ नए टॉपिक के साथ, किसी नई रिव्यू के साथ या नई एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।